नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर के वार्ड में जाकर सुनी समस्याएं, कराया निराकरण। भाजपा के युवा नेता परमानंद कुशवाहा काजू का नगर भ्रमण जारी। भाजपा के युवा नेता परमानंद कुशवाहा उर्फ काजू लगातार शहर भ्रमण कर लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण कराने में जुटे हैं। बुधवार को वे पठापुरा रोड स्थित चिल्ड्रन चॉइस स्कूल के पीछे, बंधन मैरिज हाउस के पीछे वाली गली में भोले महाराज और छन्नूलाल सोनी के साथ चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। समस्याओं का एक आवेदन बनाकर वार्डवासियों से युवा नेता परमानंद कुशवाहा काजू को सौंपा। उक्त कार्यक्रम के बाद युवा नेता परमानंद कुशवाहा काजू बड़ा मल्हारा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने नगर पालिका के माध्यम से छोटे छोटे व्यवसाय हेतु 10,000 रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में डाली। विधायक ने कहा कि सभी हितग्राही इस पैसे का सदुपयोग करें। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी निरंकार पाठक, विद्या पटेरिया, मनीष असाटी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला छतरपुर ब्यूरो, गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। क्या समस्या है बोलो। पानी की समस्या है। सबसे पहले जो 15 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा, पानी है, परेशान है सबको। वो जल लेन दिखाओ दरी केवल आउट भी है तो कम आउट बिल्कुल। के दिन में याद 8-15 दिन होगा जब से आ रही है। कौन बाढ़ है अपने जो हाँ जी, आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हो, क्या परेशानी है आप लोगों को? मेरा नाम परमानंद कुशवाहा काजू कुशवाहा है, वार्ड नंबर 38 में रहता हूँ, इसी वार्ड का रहने वाला हूँ मैं। और यहाँ पर जब मैं बाढ़ भ्रमण पर निकला तो यहाँ मुझे बोले महाराज जी, छन्नूलाल सोनी जी मम्मा हैं, इन लोगों ने मुझे बाढ़ की समस्याएं बताई। यहाँ पर बाढ़ में पानी की पाइपलाइन बिछी है लेकिन महीनों से इसमें पानी नहीं आ रहा है। इसके बाद ये वाला हेडपम्प है, ये कम से कम 2-2.5 साल से ख़राब है। इसकी कंप्लेंट भोले महाराज ने सभी वार्डवासियों ने नगर पालिका में दी, कर्मचारियों को दी, सभी आवेदन देते देते ये लोग थक गए। हेडपम्प नहीं सुधरा है, यहाँ पानी की अत्यंत विकट समस्या है। पानी भरने ये कम से कम 1-2 किलोमीटर तक दूर जाते हैं, पानी की अत्यंत समस्या है। और इसके निदान हेतु साथ में यहाँ पर खम्भे भी नहीं लगे हैं, यहाँ पर सीसी रोड भी डलना है और यहाँ पर खम्भे भी नहीं है, और जहाँ खम्भे वहाँ पर रोड लाइट भी नहीं लगी है। ये सभी समस्याएं, और यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी नहीं आ रहे हैं, तो सफाई कर्मचारियों को मैंने अभी फ़ोन लगाया है और यहाँ पर सफाई भी करवाई जाएगी। और पाइप हेडपम्प शाखा में फ़ोन लगा के बात कर ली है तो वो हेडपम्प सुधार के लिए बोल रहे हैं। अब आज हम लोगों ने आवेदन बना लिया है, ये आवेदन नगर पालिका में जाके जमा करेंगे।